190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है, मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है। मेरे गांव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी का गांव है वो। ऐसे भारत में गांव है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60% गांव माने लगभग 4 लाख गांव में कोई चिकित्सक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं। उन 4 लाख गांव में अगर किसी मां को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है, क्योंकि दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है। या तो बच्चा मरता है या मां मरती है। और अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहनें हैं उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है। इन 50 करोड़ माताओं बहनों में 25 करोड़ माताओं बहनें हमेशा खून की कमी का शिकार रहती हैं, उनको एनीमिया है, रक्त अल्पता है हमेशा। उनका हीमोग्लोबिन कभी भी नापो 7, 8, 6 के आसपास आता है। 25 करोड़ माताएं बहनें इस स्थिति में रहती हैं इस देश में हर दिन। अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 के आसपास हो, वो मां बनती हों और बच्चे का जन्म कराती हों, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए। या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी। खून ही नहीं है शरीर में। और हमारी देश की इसी अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50% से ज्यादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है, जिंदगी भर कुपोषण का शिकार रहते हैं। उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है, मरते हैं फिर। 3 साल की उम्र नहीं देख पाते 50% से ज्यादा बच्चे इस देश। दर्दनाक है ये, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना। कभी कभी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्या कहूं इसके बारे में। एक ही मन में गुस्सा आता है कि 63 साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में, झक मार रहे हैं। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतनी बेरोजगारी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी इस देश में। एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में। आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया, कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में। तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर, 3 लोग आए थे सुनने के लिए। एक मैं था खुद मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला। 3 लोग आए थे। माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी। मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं। तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं, दरी वाले को, हम दो तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका, और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी। तो मैंने कहा, भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा, चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था,
दस फीट लंबा, दस फीट चौड़ा, छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई, तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई, उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीतकर आता है, उसका नाम है भक्त चरण दास। वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है, तो उसने कहा मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर दो कपड़े नहीं है, 37 करोड़। तो मन में बार बार यही आता है आखिर हुआ क्या 63 साल आजादी के बाद इस देश में। 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है, ये आपको मालूम है, हर साल बजट बनता है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो। चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है, भले वो 8 महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, बजट हर साल आता है। 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में, तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में, बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए, आपको मालूम है बजट तीन स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में, एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं, मिटती नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला। 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो, नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। अब और एक बात बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है, एक तो सबसे गरीब देश और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में वो भी कौन है। अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में, और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर एक वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का। उसके बाद एक देश है उसका नाम है स्वीडन, सबसे अमीर। फिर एक तीसरा देश है उसका नाम है डेनमार्क, सबसे अमीर। फिर एक चौथा देश है उसका नाम है स्पेन, सबसे अमीर। ऐसे देशों की सूची, फिर अमेरिका, कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं।
तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत। अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उस देश, कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं होता, ना खेती होती है, ना उद्योग चलते हैं, ना कोई व्यापार होता है, ना कोई लेन देन होता है, वहां कुछ नहीं होता। खेती नहीं है तो कुछ नहीं है। खेती क्यों नहीं होती स्विट्जरलैंड में? मिट्टी अच्छी नहीं, मिट्टी की जगह पत्थर है खेतों में। और पत्थर क्यों है वहां के खेतों में? क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, और बर्फ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना 8 महीने तक, वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, बर्फ जैसी। अब जहां के खेत में 8 महीने बर्फ जमा रहे, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में। और जिन खेतों में बर्फ ही बर्फ जमा रहे, वहां कितना ही अच्छा बीज डालो, अंकुरण ही नहीं होगा, खेती नहीं है उनके यहां। उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास। अगर आपको उद्योग चलाने हैं तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल, वो तो खेत में से आता है, वो कारखानों में थोड़ी बनता है। तो उद्योग तो उन्हीं देशों में होते हैं जहां पर खेती अच्छी होती है। अब स्विट्जरलैंड में खेती नहीं तो उद्योग नहीं। एक उद्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक, घड़ी बनाने का, रिस्ट वॉच बनाने का, अब वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलैंड पिट गया उसमें। अब चीन की घड़ी स्विट्जरलैंड में बिकती है किलो के भाव, हां किलो में घड़ी बिकती है, एक एक नहीं किलो में, 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में घड़ी बिक रही है। तो कौन खरीदेगा स्विट्जरलैंड की इतनी महंगी घड़ी? तो वो उद्योग भी बंद हो गया। व्यापार उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता, ना खेत में ना उद्योग में, लेन देन किसका करेंगे? तो आप पूछोगे ये जिंदा कैसे है ये देश? ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है स्विट्जरलैंड, और अब उनके जंगलों में कुछ जानवरों का मांस मांस वो पैदा कर लेते हैं, मार पीट के जानवरों को, उसी में से जिंदगी चलाते हैं। लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश। अब भारत की तुलना करें स्विट्जरलैंड से, भारत में सब कुछ होता है, खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में ना हो। भारत में औसतन साल में 4 फसल होती है, दुनिया के जिन देशों में खेती होती है ना वहां साल में 1 ही फसल होती है, भारत में 4 है। और 4 फसलें जिस देश में होती हैं, उन देश, उस भारत देश के फसलों में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर आदि आदि, 2000 से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन है भारत के खेतों में, कोई मामूली बात नहीं है ये। अब जिस देश में खेती अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी है। मिट्टी अच्छी, मिट्टी दुनिया में शायद ही किसी देश में है जो भारत में। भारत की मिट्टी की विशेषता है नरम बहुत है, मुलायम है मिट्टी, और इतनी नरम है कि खाली 2 बैलों की जोड़ी और 1 हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है। यहां अगर ट्रैक्टर हम चलाते भी हैं ना तो 10 हॉर्स पावर से ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी नरम है। अमेरिका यूरोप की मिट्टी कठोर है तो 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे बात नहीं बनती, मिट्टी नरम है। मिट्टी नरम होने के साथ साथ पानी मिलता है इस देश को, बारिश का भरपूर मिलता है। ये अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो बह के समुद्र में चला जाता है, लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को। अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है, फिर भी जरूरत से ज्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि एक साल में औसतन अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच, तो हमारी जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हमें देता है भगवान, 30 गुना।
खेतों में जितनी जरूरत है, कारखानों को जितनी जरूरत है, पीने को जितनी जरूरत है पानी की, और बाकी कामों को जितनी जरूरत है, उससे 30 गुना ज्यादा पानी हमें भगवान देता है अभी भी हर साल। ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बह के बेकार चला जाता है। पानी बहुत अच्छा है, बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में। इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में। एक बार मैं पढ़ रहा था सारी दुनिया के मौसमों के बारे में, तो मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली, वो ये कि सब दुनिया के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, भारत में 16 है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स है, पूरी दुनिया में नहीं है कहीं 16। अब समझाता हूं सरल भाषा में। बहुत भयंकर गर्मी अगर देखनी है भारत में तो कहीं मत जाओ, राजस्थान चले जाओ, चुरू में चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, ऐसी गर्मी मिलेगी कि उबल जाओ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और बिल्कुल ठंडी देखनी है इस देश में तो भी यहीं चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, -10 डिग्री -15 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। और इसी देश में एकदम सूखा मौसम देखना है तो भी राजस्थान चले जाओ, और एकदम गीला मौसम देखना है तो भी इस देश में देख लो, दक्षिण में आ जाओ गोवा में, बारिश ही बारिश, भयंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन, साल में 6-7 महीने बारिश, केरल में चले जाओ, गोवा में चले जाओ। एकदम नमी वाला मौसम देखना हो तो यहां आ जाओ, मुंबई चले जाओ, मद्रास चले जाओ, समुद्र के किनारे वाले शहरों में चले जाओ, भयंकर नमी वाला मौसम मिलेगा। ऐसे 16 तरह के जोन्स इस देश में हैं, क्षेत्र। दुनिया में सभी देशों में 2 या 3 होते हैं, यहां 16 हैं। दुनिया के देशों में या तो ठंड पड़ती है और भयंकर ठंड, और या तो गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी, इसके अलावा तीसरा मौसम ही नहीं है कहीं। आपको मालूम है यूरोप में बारिश का मौसम नहीं है, बारिश वहां हर रोज होती है 2-3 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की फुल्की, बंद हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसी बारिश यूरोप में किसी ने नहीं देखी कभी कि भल भला के पानी बरसता हो लगातार 6-6 महीने, 8-8 महीने, है ही नहीं। अगर बारिश अच्छी नहीं है तो पानी नहीं है। तो यूरोप के देशों में पानी बहुत महंगा है, शराब सस्ती है, पानी महंगा है। लंदन जैसे शहरों में जब कभी मैं जाता हूं तो 1 लीटर पानी की बोतल 280 रुपए की खरीदनी पड़ जाती है कहीं, और शराब की बोतल 80 रुपए की। अब मुश्किल यह है कि मैं पी नहीं सकता उसे, हाँ, नहीं तो शराब पानी से सस्ती है, क्योंकि पानी बहुत महंगा है, क्योंकि पानी बरसता ही नहीं, महंगा तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत पानी उन देशों में है वो बर्फ जो जमती है उसको पिघलाकर पानी ले लेते हैं, वो है पानी। लंदन में तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कई 5-स्टार और 7-स्टार होटलों में संडास का पानी, टॉयलेट का पानी बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है। अब ना तो उनके पास पानी है, ना अच्छी मिट्टी है, ना सूरज की धूप है, साल में 6-7 महीने सूरज ही नहीं निकलता। कभी कभी उन देशों में संडे होता है, संडे माने छुट्टी नहीं, सूरज का दिन, संडे कभी कभी होता है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे लंदन में, ये श्रीधर भाई भी गए थे, तो हमारी फ्लाइट जैसे ही उतरी उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था, तो जो ब्रिटिश एयरवेज की वो थे अधिकारी, उन्होंने कहा आप बहुत लकी हैं, आज संडे है, यहां पर सूरज का दिन है, आप बहुत लकी हैं। तो एक से मैंने पूछा कितने दिन में ये दिखाई दिया, उन्होंने कहा हम तो 3-4 महीने से ढूंढ रहे थे, दिख ही नहीं रहा था सूरज, 3-3, 4-4 महीने सूरज नहीं दिखता। अब सूरज है नहीं, मिट्टी अच्छी है नहीं, पानी उनके पास है नहीं,
तो खेती तो अच्छी हो नहीं सकती। भारत में ये सब चीजें हैं, सूरज भी है भारत में, एवरी डे इज संडे, हर दिन सूरज का दिन, करोड़ों साल से है, करोड़ों साल तक रहने वाला है। और अच्छी खेती के लिए सूरज की धूप होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पौधे के बड़े होने के लिए सूरज का ही प्रकाश लगता है। और सूरज अच्छा हो तो पानी भी भरपूर होता है, क्योंकि समुद्र की सतह पर सूरज की धूप पड़ती है तो पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरसता है। तो सूरज अच्छा, मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा, मौसम अच्छा, फसल चक्र अच्छा, मेहनत करने वाले किसान इस देश में 12-12 घंटे काम करें, इसलिए भारत के खेतों में चार फसलों में 2000 से ज्यादा चीजें पैदा होती हैं पूरे देश में। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, सच्ची घटना। एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात का हुआ कि भारत महान कि जर्मनी महान, झगड़ा इस बात का था। वो कहता था जर्मनी महान, मैं कहता था भारत महान। अब दोनों ने झगड़ा सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला, उसने कहा कि मैं तुमसे भारत के बारे में सवाल पूछूंगा, तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो, जिसके सवालों के जवाब में सबसे ज्यादा हां यस आएगा उसका देश महान। मैंने कहा ठीक है भाई पूछो। तो उसने कहा पहले तुम पूछो। तो मेरा नंबर आ गया पूछने का, तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा, जर्मनी में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं, गन्ना होता ही नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में लीची होती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में सेब होता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? उसने कहा नहीं। अब थोड़ी देर में बौखला गया वो, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं 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 तो हारने वाला है वो। तो कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब दूसरा सवाल है। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक, क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी, उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली, उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। मैंने पूछा धनिया होता है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा पुदीना होता है? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा अब तुम ही बता दो होता क्या है इस देश में, हरे पत्ते की कोई चीज तुम्हारे यहां नहीं होती, मीठी चीज तुम्हारे यहां पैदा नहीं होती, होता क्या है? तो उसने कहा जर्मनी में दो ही चीजें पैदा होती है, एक तो आलू और दूसरी प्याज। अब आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, दो ही चीजें हैं हमारे। फिर मैंने उससे आगे पूछा, मैंने कहा फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहां तो सब माल भरा पड़ा है, यहां तो आम भी मिल रहा है, यहां तो शकरकंद भी मिल रहा है, संतरा भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है, यहां तो सेब भी मिल रहा है, ये सब कहां से लाते हो जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता? तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो वो बोला नहीं मुंह से, मान तो लिया उसने कि भारत देश महान, बोला नहीं। मैंने कहा इससे बुलवाना है। तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो, तुम भारत के बारे में पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब वो बेचारा फंस गया, क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,38,365 गांवों में से 4,00,000 गांवों में गन्ना ही गन्ना, उत्तर भारत में गन्ना, दक्षिण भारत में गन्ना, पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना, और हर जगह का गन्ना अलग है, कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना, कहीं
गन्ने में रस बहुत ज्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज्यादा है। फिर मैंने समझाया 2550 किस्म का गन्ना भारत में होता है। तो उसकी आंखें फट गई हैं। मैंने कहा हां, कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में आम? मैंने कहा भैया भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हैं जो मौसम पे मिल जाते हैं। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए मैं। नीलम आम, बैगन फल्ली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हां भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता? मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत, माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव में। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांव में होता है। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हों इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है, ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10-12-15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहां 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं, ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें। तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं, थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था।
तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहां पर, जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में।